हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी मेरे भाई सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे, मेरी वीडियो को देखने वाले, पसंद करने वाले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका। और कोई नए भाई मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आदमी और जो हमारे भाई हैं देखने वाले उनका भी इससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ये कबूतर को वैक्सीन करने का सही जो है ना तरीका है वो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। दोस्तों, ये वैक्सीन है लसुट्टा, ठीक है दोस्तों, लसुट्टा वैक्सीन है दोस्तों। ये 1000 कबूतरों के लिए है, ठीक है दोस्तों, 1000 कबूतर। ये इसको देख ले, ये मुर्गियों के जहाँ पे फीड वगैरह, दाना और पानी पिलाने के सामान मिलते हैं, मुर्गियों का जितना भी सामान जहाँ मिलता है ये वहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 50-60 रुपए की आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये इसका लिक्विड है, ये इसका लिक्विड है दोस्तों, ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 50-60 रुपए की है। तो ये लगानी कैसे है दोस्तों आपको, ये जैसे आज मैं इसको लगा रहा हूँ, आज तारीख है 26 तारीख 8 महीना 2020 और शाम का टाइम है, 7 बजे हुए हैं अभी इस वक्त, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक बात का ध्यान आपने रखना है, वैक्सीन जब भी करनी है आपने सर्दी में करनी है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो, हाई टेम्परेचर में आपने ये वैक्सीन नहीं करनी है, नहीं तो ये उल्टा रिएक्शन कर जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसका सही तरीका लगाने का मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे लगानी है, ये कैसे काम करेगी, सब आपको मैं इसमें जो है बताऊंगा। इससे कबूतर आपके जाया नहीं होंगे, लकवे में नहीं आएंगे, झूले में नहीं आएंगे, बहुत बड़ी बीमारी से महफूज रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका सही तरीका जो है बनाने का वो ये है, ये लसुट्टा है वैक्सीन, ये इसका लिक्विड है। ये आपने क्या करना है, लिक्विड पहले इसमें लेना है सिरिंज में, ये 5 ml की है सिरिंज, ये आपने इसमें डालनी है। ये इसमें डल गई दोस्तों, ये बढ़िया करके हिलानी है आपने सही करके। अब ये 1 घंटे के लिए एक्टिव हो चुकी है, 1 घंटे के लिए एक्टिव हो चुकी है, 1000 के लिए है ये, 1000 कबूतर को दे सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, ये इसमें से इसमें लेनी है वापस, ये इसमें आ चुकी है दोस्तों, देखो वापस होगी इसमें। ये इसमें आ चुकी है दोस्तों, एक ये मेरा भाई है, आज इनके भी कबूतरों को वैक्सीन होनी है। और जो हमारे भाई है आज़ाद भाई वीडियो को बना रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आज ये हमारे पास आए, इनके भी कबूतर वैक्सीन होने हैं। ये दोबारा इसमें डाल देने हैं दोस्तों आपने, क्योंकि 1 घंटे के लिए एक्टिव है, बर्फ़ में आपने है ना डालनी है फिर से। अब ये भाई हमारे वहाँ जाएंगे घर पर और अपने कबूतरों को भी लगाएंगे जाके, ये वापस आपने इसमें डाल देनी है। ये इसमें डल चुकी है दोस्तों, अब इसका देने का तरीका क्या है सही, वो मैं आपको अब जैसे इसमें बताऊंगा। ये
आपने इसमें लेनी है। ये कोई बात नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा भी हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 ml मैंने इसमें ले लिए और ये है कुंडा दोस्तों, ये इसमें डाल दिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, और ये पानी को मिला लिया। अब चलते हैं दोस्तों अपने लॉफ्ट की तरफ, अब जाके अपने कबूतरों को पानी पिलाते हैं जो मैंने 11 बजे से भूखे रख रखे हैं। पानी नहीं उनको मैंने है ना पिलाया, अब आपके सामने उनको पानी है ना पिलाएंगे। इसका सही जो है ना तरीका है वो कबूतर को भूखा रखना है 11 बजे से शाम तक, और गर्मी में नहीं देना है दोस्तों, ये आपने जो है सर्दी में देना है, जब जिस वक्त जो है ना टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब। तो अभी शाम का टाइम है दोस्तों, कितना टाइम हुआ है भाई अभी? अभी करीबन 6-7 बजे का टाइम है। तो ठीक है दोस्तों, अब अपने लॉफ्ट की तरफ चलते हैं और अपने कबूतर को पानी पिलाते हैं, आप देखना बंदर। तो दोस्तों ये है देखो, ये वो पानी था, मेरे कबूतर भूखे हैं प्यासे हैं, ये पूरे अंदर लॉफ्ट है ये। ठीक है दोस्तों, ये मैं पानी इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों, ये वैक्सीन का पानी है दोस्तों, देखो चलो दिखाता हूँ आपको। ये लो दोस्तों, ये हो गया, ये रख दिया है मैंने दोस्तों, देखो ये कबूतर पानी पिएंगे मेरे। तो दोस्तों ऐसे वैक्सीन होती है, अब ये कबूतर वैक्सीन हो चुके हैं मेरे, आज 26 तारीख 8वां महीना 2020 को वैक्सीन हुई है, और इसके बाद फिर 3 महीने बाद होगी वैक्सीन। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नुस्खे के साथ, जो आपको आपके लिए मैं डाल लूँगा स्पेशल, और तरीका जिसका सही होगा बिल्कुल, जो सही काम करेगा। तो ठीक है दोस्तों।